निर्देशक, अभिनेता और लेखक सत्यदेव दुबे, मराठी और हिंदी थिएटर के हर दिल अजीज कलाकार। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल के भारत एक खोज में जब चाणक्य की भूमिका निभाई तो कहा गया कि उनसे बेहतर इस चरित्र को दूसरा कोई पेश नहीं कर सकता था। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझसे क्या सीख पाओगे? मैंने सुना है आप अर्थशास्त्र पर ग्रंथ लिख रहे हैं। लिखना शुरू भर किया है, अभी पूरा नहीं किया, पर उसे सीखकर तुम्हारा क्या कल्याण होने चला है? आचार्य, मैं सम्राट बनने की कामना रखता हूँ, मगध का सम्राट। तुम सम्राट? अरे तुम तो क्षत्रिय भी नहीं हो, मेंढकी को जुकाम हुआ चाहता है। आचार्य, मगध का राजा नंद क्या क्षत्रिय है? ना हो, पर उसके पास राज्य तो है। चंद्रगुप्त, अर्थशास्त्र राज्य को संगठित करना, प्रशासन करना सिखाता है। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, इससे तो उन्हीं को लाभ होगा जिन्हें प्रशासन करना है, और प्रशासन करने के लिए जिनके पास राज्य है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैदा हुए सत्यदेव क्रिकेटर बनना चाहते थे और यही इच्छा उन्हें मुंबई ले गई। हालात कुछ ऐसे पलटे कि सत्यदेव दुबे थिएटर की दुनिया में पहुंच गए। नाटकों के गुरु एक सत्यदेव दुबे, हाँ, नाटकों के गुरु एक सत्यदेव दुबे, जिनके पास आते हैं चेले अजूबे, जो समझ गए फोकस वो मंच पर है उभरे, जो समझ गए फोकस वो मंच पर है उभरे, जो ना समझे फोकस वो सीरियल में डूबे, जो ना समझे फोकस वो सीरियल में डूबे। धनराज होश में आ, तुझ पर ताकत का नशा सवार हो गया है। चाणक्य विष्णुगुप्त अपनी इच्छा से बेबुलाए तेरे राज्यसभा में आया और तू बुद्धि को खोलकर पी गया है। तू जड, तू ये भी नहीं समझता तेरी भलाई किसमें है, मगध की भलाई किसमें है। अपनी निर्लज्जता का मूल्य चुकाएगा तू, मरेगा तू, ध्वंस होगा। ले देख, ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है, मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को पाटलिपुत्र से जड़ समेत उखाड़ कर फेंक नहीं देता। नाश हो तेरा नाश। 1970 के दशक में सत्यदेव दुबे ने कई फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे। निशांत, अंकुर, कलयुग और भूमिका फिल्मों के अलावा उन्होंने कई नाटक लिखे और निर्देशित भी किए। उनके सिखाए अनेक रंगकर्मी समकालीन रंग जगत में सार्थक कर रहे हैं। सत्यदेव दुबे रंगकर्म की एक संस्था के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे।